हाय गाइस, आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। सो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ ये शैम्पू जो कि है फ्रॉम ब्रांड त्रिजप। और अगर इसकी कंप्लीट नेम के बारे में बात की जाए तो इसका जो कंप्लीट नेम है वो है त्रिजप शैम्पू कैरेटीन डैमेज रिपेयर, एज यू कैन सी द बॉटल। और अगर बात करूँ इस शैम्पू के बारे में तो ये काफ़ी माइल्ड शैम्पू है, उतना केमिकल से भरा हुआ नहीं है। और अगर आप एक माइल्ड शैम्पू ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। और मैं इस प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से रिव्यू करने वाली हूँ, डिटेल रिव्यू करने वाली हूँ। सो ऑब्वियसली वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। अगर वीडियो यूज़फुल लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर बात कर लूँ इसकी पैकेजिंग की तो ये काफ़ी सिंपल है और आप देख सकते हैं कि इसका कोई आउटर कार्ड आपको नहीं मिलेगा। सिंपल सा आपको ये बॉटल मिलेगा जो कि इसका बॉडी लाइट ग्रीन कलर का है और इसका जो कैप है वो डार्क ग्रीन कलर का है। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये ट्रैवल फ्रेंडली है और प्रोडक्ट बिल्कुल लीक नहीं होता है, तो आप इसे ट्रैवल पर्पज़ पे भी कैरी कर सकते हैं। अगर बात करूँ इसकी प्राइस के बारे में तो इसका जो प्राइस है वो है 400 और इसका जो क्वांटिटी आपको मिलता है वो है 400 ml। और अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज करते हैं तो आपको 10 से 15% तक डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप इंटरेस्टेड है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके देख सकते हैं। अगर बात करूँ इसकी टेक्सचर की तो इसका जो टेक्सचर है, लेट मी शो यू, दिस इज़ थिक इन टेक्सचर। जो शैम्पू की टेक्सचर होती है वही है। और अगर बात करूँ इसकी स्मेल की तो इसका जो स्मेल है वो काफ़ी माइल्ड है। लगाने के 2-3 घंटे के बाद ये आपके हेयर से चला जाएगा। और अगर बात करूँ इसकी कलर की तो आप देख सकते हैं ये समथिंग वाइट कलर का है। और अगर बात कर लूँ इसकी इंग्रेडिएंट की तो यहाँ पे पिक शो हो रहा होगा, वीडियो को पॉज करके इसका इंग्रेडिएंट पढ़ लीजिए। और इसमें कुछ हाइलाइट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है दैट 0% SLS और पैराबिन, मींस कि SLS और पैराबिन बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारे लिए। अगर हम इसे डेली बेसिस पे यूज़ करें तो हमारे स्किन में इरिटेशन हो सकता है, लाइक नोज़ में इरिटेशन हो सकता है, आइज में इरिटेशन हो सकता है, और आपको स्किन एलर्जीज़ वगैरह भी हो सकते हैं, स्किन डिजीज़ भी हो सकते हैं, और ये धीरे धीरे एक कैंसर का भी रूप ले सकता है। सो वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है, लेकिन इसमें वो चीज़ नहीं है जो कि एक तरीके से देखा जाए सेफ़ है। और अगर बात करूँ पूरी इंग्रेडिएंट की तो थोड़ा बहुत इसमें केमिकल एडेड है, बट ये पूरा फुल्ली केमिकल लोडेड नहीं है शैम्पू, थोड़ा सा माइल्ड शैम्पू है। एज़ यू कैन सी आपको यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट का फुल इंग्रेडिएंट का पिक है वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। और अगर बात करूँ इसे यूज़ करने की तो इसमें लिखा हुआ है कि आप अपने गीले बालों पे इसे लगा लीजिए और उसके बाद इसे वॉश कर लीजिए, और अगर ज़रूरत पड़े तो इसे फिर से दोबारा लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक मग ले लीजिए और उसमें वाटर ले लीजिए और जितना आपको चाहिए अमाउंट शैम्पू का उतना ले लीजिए और फिर आप लगाइए, तो वो ज़्यादा बेस्ट तरीका है लगाने का शैम्पू, जैसा कि मुझे पता है। ओके, सो आपको जैसे ठीक लगे आप यूज़ कर सकते हैं इसे। और ये सारे हेयर टाइप पे सूट करता है। और अगर बात करूँ इसे ख़रीदने की तो आप आराम से इसे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, ऑफलाइन मैं आज तक नहीं देखी हूँ सो मुझे नहीं पता, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसमें लिखा हुआ है दैट कि कैरेटीन आपके हेयर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है। और ये प्रोडक्ट क्लेम करता है कि इसमें जो कैरेटीन है वो आपके हेयर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा एंड रिड्यूस ब्रेकेज, मींस कि जो आपके बाल पीछे टूट जाते हैं उसको कम करेगा। स्ट्रेंथ के बारे में बात कर ली जाए तो मुझे ऐसा कुछ नोटिस नहीं हुआ है, और इलास्टिसिटी भी ऐसा कुछ नोटिस नहीं हुआ है। और अगर बात करूँ हेयर ब्रेकेज के बारे में तो जितना मेरे बाल गिरते हैं रोज़ दिन डेली उतना ही गिरते हैं, मतलब मैं नहीं कह सकती हूँ कि ये आपके ब्रेकेज को कम करता है। इसमें लिखा हुआ है दैट कि ये आपके हेयर को हेल्दी, शाइनी और फ्रिज फ्री बनाता है। हेल्दी के बारे में आई डोंट हैव एनी आइडिया, क्योंकि हेल्दी रखने के लिए मैं अपने बाल में हमेशा रेगुलर हेयर मास्क लगाती हूँ, और उसके बाद शाइनी आपके हेयर को बनाता है, दैट्स नॉर्मल। फ्रिज फ्री रहने के लिए मैं या तो मैं सीरम यूज़ करती हूँ और नहीं तो मैं अपना हेयर मास्क यूज़ करती हूँ। और अगर बात कर लूँ अपनी ओपिनियन के बारे में अबाउट दिस शैम्पू, तो ये आपके हेयर में से जो डस्ट वगैरह है, जो ऑयल वगैरह है, वो बहुत अच्छे से निकालता है, और ये आपके हेयर को एक माइल्ड तरीके से क्लीन करता है। बहुत ही ज़्यादा इसमें हार्मफुल केमिकल नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है।
और अगर बात करूँ प्राइस के बारे में तो क्वाइट अफोर्डेबल है। अगर आप छोटा पैकेज लेते हैं तो थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है, लेकिन बड़ा पैकेज लेने में आपको अप्रॉक्स इतना ही प्राइस पड़ेगा। सो दैट्स ऑल गाइस, ये था ओवरऑल रिव्यू अबाउट दिस प्रोडक्ट। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो यूज़फुल लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो आने वाली है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। Thank you so much for watching the video.